ठीक करने के उद्देश्य से ही मैंने ही सख्ती के साथ नियमों में परिवर्तन किया है। सभी मान्यताएं पारदर्शी हों, इसके लिए सभी तरह के आईटी सॉल्यूशंस की व्यवस्था की गई है और जांच कमेटी के द्वारा भी पूरी तरह से जांच की गई। यदि जांच में कहीं कोई गड़बड़ होगी तो जो जांच समिति है उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये भी पहले दिन से ही हमने प्रावधान रखा है। और उसके साथ ही हम ही हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं उनको समाप्त किया। और उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके साथ भी कुछ भी गलत ना हो, और इसीलिए हमने ये सुचारू व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। फर्जी कॉलेज तो हम बंद करेंगे ही, परंतु छात्रों के साथ कोई भी अहित नहीं है। हमने तो चीज़ों को ठीक किया है, और व्यापम के मामले में भी कांग्रेस को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वो मामला उजागर किया था और व्यवस्थाएं ठीक की थी। यदि व्यवस्थाएं कुछ गलत हैं तो हम कटिबद्ध हैं उनको ठीक करने के लिए, हम ठीक कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस ने क्या किया। यदि नर्सिंग कॉलेज के परमिशंस ख़त्म की जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के कॉलेज थे, तो यदि ऐसे कॉलेज हैं तो क्या वो ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले, फर्जी कॉलेज बंद होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।